तो प्यारे बच्चों इसको देखो, यहाँ पे ये कहता है रोटर है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रोटेट अबाउट एक्सिस विद ए पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल। मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। और ये एट ए पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटेट रोटेट द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव द पर्सन हैंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर है, दिस इज द रेडियस आर इज गिवेन 2 मीटर एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन इज 0.2 है। मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में भी रिमूव, नहीं, जी की वैल्यू हमें 10 लेना है, तो मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लो मिनिमम यहाँ पे गलत है, मिनिमम स्पीड एट विच सिलेंडर इज रोटेटिंग, या जो रोटर है वो कितना मिनिमम स्पीड से रोटेट करे कि आदमी वहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, एक आदमी यहाँ पर है इस सरफेस के सहारे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये फिविकोल से चिपका दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है। बट अगर इस फ्लोर को मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर भी ये आदमी यहाँ रहता है। मतलब अगर मैं दूसरा बना लूँ तो यहाँ से एक पर्सन है वो, अगर ये सिलेंडर डेथ वेल इसको बोलते हैं, आयोग की सबको ये बात पता होगा, तो ये आदमी यहाँ पे आराम से खड़ा है, द मैन इज स्टैंडिंग हियर, ये आदमी यहाँ अच्छे से खड़ा है। तो न यहाँ इसके कपड़ों और वॉल के बीच जो फ्रिक्शन है वो ऊपर आएगा और mg नीचे आएगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स mr² इधर फील करेगा, या स्पीड mv² / r इधर फील, क्योंकि ये इस टाइप के सर्कल में मूव करेगा जिसकी रेडियस r है। और अगर ये वॉल इससे सूडो फोर्स से इस वाले फोर्स से अगर सरफेस को दबा रहा है, तो इस पे नॉर्मल जो रोटर है जो सिलेंडर है नॉर्मल इधर लगाएगा, तो ये 4 फोर्स है। तो मिनिमम के केस में जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू वेट mg, और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस किया होगा नॉर्मल को, दैट इज mv² / r, दिस इज द 2 इक्वेशन। और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस वक्त बच्चों लिमिटिंग लग रहा होगा, तो नॉर्मल की यहाँ अगर इसको मैं खोलूँगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू μn दैट इज इक्वल टू mg, तो म्यू एन की वैल्यू आ जाएगी mv² / r दैट इज द mg। तो यहाँ से m ने m को काट दिया, तो वेलोसिटी v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी rg√μ। ये तो यहाँ पे देखो, अगर आदमी रेस्ट में रहता है तो स्पीड इससे अधिक या इससे बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे देखोगे इस वाले इक्वेशन में देखोगे कि फ्रिक्शन तभी mg को बैलेंस करेगा जबकि फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू mg। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो बात वही बराबर आ जाएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू rg/μ। ये तो यहाँ से जो स्पीड शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू, तो r की वैल्यू कितनी है, देखो r की वैल्यू है यहाँ पे 2 और g की वैल्यू 10 लेना है, और ये है 0.2√, ठीक है। तो ये जब काट दोगे तो स्पीड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर/सेकेंड, 10 मीटर/सेकेंड आएगा, तो स्पीड 10 मीटर/सेकेंड से अधिक आना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम स्पीड अगर पूछा है तो मिनिमम स्पीड इज इक्वल टू वो 10 मीटर/सेकेंड ही आएगा, और इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो अच्छी बात है, और कम से कम इतना स्पीड रहना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो, और अगर स्पीड इससे कम हुआ तो आदमी नीचे आ जाएगा, द पर्सन विल फॉल डाउनवर्ड। बहुत सारा इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो और भी वीडियो इस पर देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।